वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक सादिया सुहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद है मैम आपसे और इतनी सारी बातें जानी बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला बिंग अ वर्किंग लेडी आपसे मजीद जानना चाहूँगी शादी कैसे हुई आपकी अच्छा शादी भी मेरी बड़ी अजीब स्टोरी है नॉर्मल <laughs> मेरा <ना> कुछ <laughs> भी नहीं है <laughs> अच्छा <laughs> शादी मैंने एक शादीशुदा आदमी से की जिसके दो बच्चे थे जबकि मैं खुद कम उम्र भी थी हाँ आमतौर पे ऐसा होता नहीं है मुखालफत भी होती है उसकी हाँ। एक तो मेरे मियां को भी बड़ा शरीर <laughs> <दुसरा laughs> रिश्तों की एक बहस है ना सुतेली है मेरे बहन भाई जो एक बहन और तीन भाई दूसरी मदर में से है हाँ। लेकिन बिलीव करें ये मेरे बाप को चाहता है क्रेडिट कि हम बहन भाईयों को सगे शायद कम करते होंगे जितना हमारा आपस में प्यार और मेरे भाई इतनी मेरी इज्जत करते हैं कि मैं कहती हूँ पूरी दुनिया केसे भाई हूँ जैसे मेरे भाई हैं और मुझे फख्र है मेरे छोटे बहन भाई बहुत प्यार करते हैं यही चीज़ मैं आगे खुद भी अपनी ज़ात पे रख कर देखना चाहती थी कि अगर मेरे पे आता है तो मैं क्या कर सकती हुँ। 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 दो बच्चे अल्लाह ने दिए मुझे सात तोहफे में तो वो बच्चे माशा इतना प्यार मैंने जो एक माँ की हैसी से प्यार कर सकी और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और अलहमद आज वो बच्चे वेल सेटल्ड हैं और वो बच्चे मुझे उनकी अपनी वालदा भी हयात है हाँ। और वो लेकिन नाचागी हो गई जो उसमें अभी आपको पता इशू हो ही जाते हैं जिंदगी के लेकिन वो अपनी जहाँ वालदा का करते हैं उस तरह ही मेरे साथ बल्कि कभी मेरी तो बेटी इतना आ, प्यार और हर चीज़ मशवरा करती है क्योंकि पिछले साल मैं नॉर्वे उसके पास रहने गई उसने इतना प्यार और खदमत की मेरा बेटा जो मेरा अपना पेट का पैदा किया हुआ बेटा है उसने लव मैरिज किया है मेरा बड़ा बेटा है लड़की मैं देखकर आई मैंने पसंद किया उसने आगे से पूछा भी नहीं अच्छा ओके okay, कर, आपको पसंद है आप डन कर दें मैंने कहा बेटा देख लो एक बार नहीं आपको पसंद है ना उसने इतना ज्यादा मेरे पे किया ब्लाइंड ट्रस्ट और माशाल्लाह मेरी बहुत बहुत प्यारी है और बहुत आर लिविंग वेरी हैप्पीली लेकिन उसने मेरे डिसीजन को इतना ऑन किया और इतना उसने ये किया तो ये आ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज का और ये सुतेले सगों वालों के खिलाफ मैं बहुत शदीद हूँ माँ माँ मा होती है बहन भाई बहन भाई होते हैं हाँ। ये सगा सारा यहाँ होता है हम हाँ। इसको हटा देना और ये सास बहू मेरा आइडियल रिलेशन था विद माय सास वो बहुत ही इबादत गुजार नेक खातून थी बहुत ही इंसाफ पसंद हाँ। मैं कहती हूँ मुझे उनसे प्यार नहीं इश्क था मैं अपनी इनका इतना सास का जिक्र करती हूँ कि इस तो वजह से कि वो वो औरत थी जिस हमें हमने खामदों से तो बड़ा प्यार होता हाँ। है लेकिन जो उसकी पैदा करती है उसकी परवरिश करती जो है जो उसको एक अच्छा आदमी अच्छा बनाती है के हमारे लिए रखती है हाँ। कि वो हमारे लिए अच्छा शोर साबित हो उससे पता नहीं हमें क्या मसला होता है मेरी अपने ससुराल वालों से आइडियल रिलेशनशिप अलहमद ला तो ये सब कुछ मैं यही चाहना चाहती हूँ कि जो नेगेटिविटी है ना उसको रिश्तों में से माइनस करते हैं खुदा hmm. के लिए आपकी किसी से कोई मसला नहीं होगा Haan. ये ससुराल ये सब कुछ यहाँ बनाया होता है Haan. हम जब निकाल देंगे ना मेरी सास मुझे डांट भी दिया करती थी Haan. मैं फिर भी जाके उनसे चिपकती थी Haan. तो मतलब मुझे लगता था कि मेरी माँ भी तो मुझे ऐसी डांट सकती है, है।, है ना तो क्या हुआ अगर सास ने समझाने के लिए तरबियत के लिए हमारी अच्छी बात बता दी तो इसलिए अलहमद वो एक अन नेचुरल था फैमिली से बड़ी मुखालफत उठी के एज डिफरेंस भी था बच्चे दो के साथ नॉर्मली माशरे में इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता पर आ, मेरे अबू ने जब मिले और जब मेरी थाट्स सुनी तो देख लो तुम खुद देन यू हैव टू फेस ऑल द थिंग्स थैंक्सलम्दुल मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया या अपने कोई शिकायत मेरे ससुराल से आई हो या कोई इशू हम या बीवी का कभी नहीं दिया इज्जत से मैंने अपने हस्बैंड से एक ही बात की थी शादी वाले दिन लोग बड़ी रोमांटिक बातें करते हैं मैंने एक Practical बात प्रैक्टिकल आई वाज वेरी यंग दैट टाइम इवन लेकिन मैंने कहा आई कैन लिव विदाउट मनी आई कैन लिव विदाउट लव इवन बट आई कांट लिव विदाउट रिस्पेक्ट ओके देन ये आपने काम मेरी रिस्पेक्ट को कभी चैलेंज ना करना तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे वो जो माशरे में जो गाली गिली जो आज छोड़ दो तलाक दे हाँ। दो मैंने जिंदगी में तीस साल शादीशुदा लाइफ में मैंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें हम हस्बैंड वाइफ आपस में तू तू मैं मैं के हाँ। स्टेज पे आया हूँ मुझे अख्लाफा हजार चीज़ों पे हो जाते हैं मैं खामोशी अख्तियार करती हूँ बिल्कुल फिर मेरे हम कहते हैं लड़ लिया करो खामोश वो के बाद खामोशी होती है इसलिए बस ये लाइफ बड़ी हमारी चैलेंजिंग थी पर अलहमद अल्लाह ने उसमें कामयाब किया सुरख किया और इस तरह ये डिफरेंट डिफिकल्ट डिसीजन भी मैंने अल्लाह का शुक्र चैलेंज समझ के <laughs> <तूल सार्थ> किया <laughs> और फिर उसमें कामयाब रही बाप हर एक कामयाब लड़की जो होती है उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग थिंकिंग का एक कामयाब आदमी होता है जो अपनी बेटी को ये इजाज़त देता है कि हाँ तुम जाओ सोसाइटी में मूव करो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरह के स्टेप में मुझे तुम पर एतबार है आपका और आपके फ़ादर का कैसा रिलेशन रहा मेरे और मेरे फादर अभी बिल्कुल अभी नया नया वाक़ है जब मेरे फादर इस नाइन्थ अप्रैल को इस दुनिया से गए मैं समझती हूँ मेरी पूरी जिंदगी मेरे बाप कित -कित मेरे hmm. के इर्द गिर्द घूमती है मेरी मौत के वाक़ात से लेके मुझे दोबारा जिंदगी देने में ah. अल्लाह के बाद मेरे बाप का वो एक सोच और hmm. वो एक मेरे से स्परिचुअल लगाव वो सारी जिंदगी रहा अबू का hmm. मेरा और मेरे बाप मेरी माँ का भी रोल प्ले करता था hmm. मेरी जिंदगी में मेरे उस्ताद का भी वॉज अ ग्रेट पॉमिस्ट और मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा hmm. वो लोगों की रीडिंग साइंस से बता देते थे बॉडी लैंग्वेज फेस रीडिंग ये तमाम चीज़ें मैंने इनसे हाँ। विरसे में ली इन्होंने मुझे ट्रांसफर किया औलाद में बाकी सब बच्चों से बहुत ही हाँ। केयरिंग फादर तो वो अभी भी इस स्टेज पे भी मुझे ट्रैवलिंग में कहाँ पहुंची हो कहाँ नहीं हाँ। और वो क्यूँकि रूहानियात मामलों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे मैं जानती हूँ तुम भी वही बेटी हो जो बाप से बहुत करीब थी और तुमने भी अपना बाप खोया है तो मैं समझती हूँ मेरा मेरा इश्क अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद अजम के बाद अगर कोई इश्क मेरा था तो मेरा बाप मैं अपने रिश्त मेरा बहुत मोहब्बत है मेरा बेटा बेटे मेरी भी ओलाद लेकिन मुझे मेरे बेटे बच्चे कहते हैं आप जैसे ओलाद हम जैद कभी जिंदगी भी ना बन सकें जो आप अपने बाप के साथ थी मैं डेली दो घंटे अबू के लिए जरूर निकालती थी अब का पसंद का खाना डेली बनवा के भिगवाती थी छोटी सी छोटी चीज लेके अबू का मेरा मैं अगर घर बैठी हूँ ना अबू को हार्ट अटैक फैला हुआ है तो घर बैठे लोगों को नहीं पता था हाँ। मुझे आ, हो और मैं पहुंच गई और मेरे पहुंच के अबू को वहां से उठा के भागी तो भाई कहते हैं आपको कैसे पता चला अल्लाह no no ने बाप को बेटी के लिए सर की छत बनाया हर तरीके से वो कहते ना गार्डनिंग एंजल होता है वो तो बाप होता है आपकी जिंदगी का तो मैं समझती हूँ मेरी इंस्पिरेशन उनके जाने के बाद जिस तरह मैं नीचे एकदम से गई हूँ मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला है पर मैं आज भी रोज जाती हूँ अब की कबर पे एक दिन नहीं गई तो ख्वाब में आ गए नाराज़गी से बैठे हुए आई क्यों नहीं थी अच्छा और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं तो घर के करीबी कब्रिस्तान में जहाँ मैं आते जाते मिल सकूँ तो मैंने अपने बाप से प्रॉमिस वो भी पूरा करती हूँ वहाँ जाके बातें करती हूँ उनसे निपट तो बस ही वॉज माई सब कुछ एवरी हम दोनों वो बेटियां हैं जिन्होंने अभी हाल में ही अपने बाप, बाप को खोया, खोया है और बहुत ज्यादा अटैचमेंट रही आज बल्कि हमने सादिया सहेल साहिबा एक कैसी बेटी है कैसी बीवी है कैसी माँ है ये भी जाना वैसे आप सब ये तो जानते हैं कि वो एक कैसी दबंग पॉलिटिशियन है लेकिन आज उनके और बहुत सारे चेहरे हमारे सामने आए कि वो अपनी जिंदगी में रिश्तों को कैसे लेकर चल रही हैं आगे चलते हैं जी नाजरीन लिए चलते हैं आप सबको हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है क्रॉस टॉक सुहेल क्रॉस टॉक में आपसे शॉर्टेस्ट 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 क्वेश्चन करेंगे और आंसर आंसर चाहेंगे मिलेगा तो नहीं क्योंकि हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है है वो बेस्ड करता है PMLN पर अच्छा। <laughs> <laughs> तो उस तो बहुत कुछ है बोलने को वो भी सादिया सुहेल राणा साहिबा के पास <laughs> तो क्या कहेंगी पीएमएल की कायल नहीं तनकी बहुत अच्छे लोग भी हैं बहुत कैपेबल लोग हैं अब सो सिर्फ एक वीक पॉइंट है हाँ। कि वो जो एक फैमिली को आका जो बनाया हुआ है ना गुलाम हाँ। जब मैं मरियम नवाज के पीछे बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस को खड़े देखती हूँ हाँ। तो मुझे तकलीफ होती है हाँ। तो ये इसको ना खानदानी एक आजादारी के बजाय निकल हाँ। के जो इनके अपने वर्कर्स हैं और अपने ल, आ, हैं उनको अगर सामने लाया जाए तो दे कैन परफॉर्म वेरी वेल हाँ हाँ

लेकिन माइनस जरदारी साहब और माइनस अगर आ, अपना थोड़ा सा थो रवैया चेंज करें माँ का विज़न भुट्टो हाँ. साहब का विज़न लाए तो पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो उसमें जो खमीर बहुत ज़्यादा है हुँ. और बहुत अच्छी उनके पास एतज़ाज़ एहसन और इन लोगों के मैं बड़ी कायरा साहब तगड़े अच्छे पोलिटिशन अच्छे है वेरी सीजनल और आई आई लर्न अलॉट फ्रॉम दैम बिल्कुल जानना चाहूँगी बहुत सारे लोगों से अक्सर बात होती है तो लोग कहते हैं पीटीआई में हमें कोई ना वो खानदानी सियासत वाला हमें रुझान नज़र नहीं आता लाइक इमरान खान है उनके बाद कौन है आप क्या सोचती हैं मेरा ख्याल में इमरान खान को ला जिंदगी दे सलामत रखे अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट उनका कोई वर्कर होगा के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ उनका कोई भाई भांजा आके खड़ा हो जाएगा इमरान खान की पार्टी उसके वर्कर्स हैं hmm. उसकी टीम है तो कोई इमरान खान जब रिटायर होते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत और जिंदगी दे वो हमारा लीडर है हमारा सब कुछ है और लेकिन इमरान खान को रिप्लेस उसका एक वर्कर करेगा बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी खातन होती हैं और फिर वर्किंग में होती हैं तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने मेकअप को लेकर हाँ। अपनी ड्रेसिंग को लेकर लेकिन आप में हमें ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा मैं बहुत ही <laughs> बड़ी <laughs> मुझे लग रहा है कि ना रफ एंड टफ लेडी भी होती है बस सुबह उठे और कुछ किया नहीं किया भागे गए अपने काम की तरफ तो क्या मतलब है क्यों नहीं है मैंने एक इंस्परेशन थी मेरी सलोनी बुखारी सैदा सलोनी बुखारी मेरी मेंटोर मेरी आ, पार्टी की लीडर खान साहब भी पहली तकरीर में भी उनको मिस किया अफसोस के वो नहीं रहीं मेरा सबसे बड़ा प्यारा रिलेशन था पार्टी में शी इंस्पायर्ड मी वो सिंपल वाइट शलवार वाइट दबट्टा और चादर होती थी और लॉन्ग की शर्ट नॉर्मल हाँ अलग के तो बहुत वेल ऑफ फैमिली से करती हाँ बेतरीन से करती थी वो बेहतरीन बेहतरीन लबास कर सकती थी पर वो कहती थी कि हम, हर के वर्कर, हमारे होता है। हाँ हम लोगों में जाते हैं। अगर हम बहुत के जाते हैं, तो आप दूसरों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हाँ बड़ी बड़ी है। गाड़ियों से उतरेंगे आप बड़े बड़े पोशाक पहन के वो बेचारी गरीब औरत आप क्या गले लगेगी मैं तो खुद वैसे तो खुद ही रिच पर्सन दूसरा मैं ये ज़ाया जब आप में मसाइल देखते हैं ना जहाँ लोगों के पास तन धकने को कपड़ा नहीं है हाँ। पेट भर खाना नहीं है वहाँ आप हजारों रुपए के जोड़े पहनकर तकरीरें करें उन हकूक पे तो आई एम सॉरी दस लाख का जूता पहन के आप आवाम की दर्द को समझे तो हाँ। वो दर्द मुझे समझ नहीं आता मैं तो ग, एक आम सा बंदा हूँ हाँ। मुझे पठान का पाँच सौ का जोड़ा भी मैं पहन लेती हूँ मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है

फूट फूट के मैं रो पड़ी हमारे बेड्स देख लेबल है वो वो हाँ। वो, वो तो फातमा तो जो है की वहाँ चीजें देखें तो फिर मैं कहती हूँ हलाना था हम लोगों पे हम उनकी उम्मत और हमें उनकी सुन्नत पे चलने का हुक्म है तो हम इतने कॉम्प्लेक्सड हैं हम लोगों को जज करते हैं कितनी बड़ी गाड़ी से उतरा हाँ। लोगों को जज करते हैं कितना महंगा पहना है जो हाथ में की अंगूठी थी हाँ। पाओ में बारह हजार का डॉलर का जूता हाँ। था ये क्रा, क्राइटेरिया आपका किसी को जज कर एक बात जानना चाहूंगी सोसाइटी में ये चीजें लोग जज करते हैं क्या इससे फर्क पड़ता है बहुत मतलब तो बड़ा अफसोस होता है मुझे तो देखिए आप इंसानियत का मैार जो है ना आ, वो गिरा देते हैं आज आप कर को आपको अपने इधर देख ले आपके रिश्तेदार जो अमीर होगा ना बड़ी गाड़ी हाँ। में बड़ा मैल होगा हाँ। उसको लोग झुकझुक सलाम करेंगे उससे हजार दर्जे बेहतर करैक्टर में एक गरीब रिश्तेदार होगा लोग उसको अपने इवेंट्स में नहीं बुलाते कि ये ऐसे गंदे कपड़ों में उठ के आ जाएगा हमारी शान खराब हो जाएगी हाँ। मतलब हमारा अलमिया ये है हम लोगों को इंसान को कपड़ों और आ, गाड़ियों और घरों की बुनियाद पे जो है ना हम जज करते हैं हाँ। जो इसके किरदार की शख्सियत आप आज देख लें मैं एक दफा ना ऐसी शाहजहां के मकबरे पे गई इतना बड़ा बादशाह उसकी कबर पे धूल मट्टी उड़ रही और लोग बैठे पिकनिक कर रहे हैं उसकी तरफ बैक करके वहां तो से जब दाता साहब के सामने गुजरी हाँ। तो क्या रौनक क्या इज्जत क्या वक़ार मैं क्या देखो दुनिया का बादशाह और अल्लाह का फकीर Hmm. जो जाने के बाद भी बादशाहत कर रहा है और दुनिया का बादशाह खत्म कहानी क्या बात तो की ये ने? जो है ना ये मैं फ़कीर इंसान हूँ खुद भी hmm. मैं अगर आप पॉलिटिशियन नहीं जो होंगी मैं आपको किसी दरगाह पर बैठी मिलूंगी तो मैं इंसान से मोहब्बत करें इंसान के किरदार से मोहब्बत करें बिल्कुल आज आपसे हमें बहुत फ्रूटफुल चीज़ें सीखने को मिल रही है बड़ा फ्रूटफुल साबित हो रहा है हमारा आज का इंटरव्यू मूव करते हैं वन वर्ड फॉर वन पर्सनैलिटी चलते हैं सबसे पहले नाम लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब uh, मैं कहती हूँ इंटेलिजेंट वेरी इंटेलिजेंट और uh, तंकीद लेने वाला शख्स करप्शन तो अलग है <laughs> करप्शन <लेकिन, laughs> भी ऐड कर ले, लेकिन ये बात है कि उनकी दौर में पे जितना कहा गया वो शख्स बोला नहीं इज अ वेरी क्लाइवर और इंटेलिजेंट मैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब Hope leader. Uh -huh. और मतलब तो, कमाल आदमी सही शेख रशीद I think a public, सही में पॉपुलर आवाम hmm. के अंदर रहने वाला और आवाम की बात करने वाला चौधरी परवेज इलाही वेरी वेरी सेंसिबल ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर वेरी सेंसिबल ही नो हाउ टू हैंडल पीपल uh, जब अपोजिशन को उन्होंने साथ लेके चलना होता है उसको भी हैंडल कर लेते होते हैं hmm. तब को भी स्नप कर देते हैं और जब मिलाना हो तो दोनों को इस वेरी इंटेलिजेंट मैं जूनियर है मेरे हाथ का लगाए हुए पौधा है बिल्कुल <laughs> और खूबसूरत है पर थोड़ी थोड़ी जुबान स्लिप कर जाती है <laughs> <laughs> शहबाज गिल शहबाज गिल वेरी गुड स्पीकर लेकिन uh, क्या कहते हैं आ, लेकिन थोड़ा सा चीजों को होला हाथ रखना चाहिए सही डॉक्टर राशिद आजकल तो मेरा दिल चाहता है खड़ी होकर उस औरत को सल्यूट करो शी इज फाइटिंग कैंसर शी इज हार्ड वर्कर वूमे और और उसके बावजूद कीमो करा के अगले mm. दिन वो खड़ी कैसे काम कर रही होती है ना शी डिजर्व तमतियाज एटलीस्ट और जो ये एक औरत की हैसियत से इस मजबूती के साथ hmm. इस बीमारी इनके दोनों घुटने आर्टिफिशियल है Haan. वो सुबह दो घंटे स्विमिंग करती है उन घुटनों hmm. के साथ तो उनका जो कुछ है, है hmm. uh -huh. क्वालिटी <laughs> uh, जब बोलने पर वो जो जिस तरह बर्जस्ता वो जवाब uh -huh. देती है humor, और वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी सही उस्मान बुज़दार साहब हम्बल और सुनने वाला सीएम मैंने इससे पहले नहीं देखा सच अ ग्रेट पर्सन वो लोग क्योंकि हर हर कोई कैमरा पर्सन नहीं होता ही इज़ वेरी हम्बल हम लोगों से जिस तरह हम अपने uh, हर बात का इजहार खुल के उनके सामने कर सकते hmm. हैं मैंने इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं देखी अलीम खान साहब अलीम खान साहब से मेरे बड़ी अर्सा बड़ी दुश्मनी रही मजे की बात हमारे पार्टी में दो ग्रुप था एक नज़र आती और वो <laughs> अलीम खान साहब मुझे दुश्मन कहते थे मैं उनको दुश्मन कहती थी पर हमारी दोस्ती हो चुकी है ही इज आल्सो वेरी वेरी कोई भी काम कह दें तो वो बहुत uh, जल्दी है लेकिन थोड़े से मूडी है देखिए मैं कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रही और मैं कभी पीपल्स पार्टी की कोई फहमी हो नहीं रही लेकिन एज ए मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जब मैं उनको देखती थी ना एक्चुअली साहब वेरी लर्नड वूमेन hmm. विजनरी वूमेन और जब मैं देखती थी जहाज की सीढ़ियों पे वो अपने बच्चों को गोद में उठा के एक उंगली ah. में लगाया हुआ है एक गोद में एज ए मदर भी hmm. वो मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू देखे बीबीसी के बच्चों को पढ़ा ah. भी रही है साथ साथ That, वो ये रोल होते हैं इंस्पाइट ऑफ डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट विजन लेकिन एक औरत अगर कामयाब है ना तो हम सब औरतों की उसमें रिस्पेक्ट है हाँ। तो वो वो हमारे लिए बायस था था शी अ ग्रेट लीडर नो डाउट बिलावल भुट्टो भुट्टो बिलावल इज इंटेलिजेंट बॉय और एक अच्छी माँ का वो बेटा है और थोड़ा सा अपने बाप की क्वालिटीज माइनस रखे और <laughs> इमरान खान को तनकीद करने के बजाय अपने आप को ग्रूम करे हाँ। तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है नवाज शरीफ साहब खाते रहो खुश रहो <laughs> <laughs> ख्वाब मुल्क हो ख्वाब रोटी हो <laughs> अच्छा शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर पर लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा डॉन डौ, डॉन लुक थी व्हिच इज नॉट गुड वो अपनी आ, पार्टी को अगर डॉन और वो जो सरिया निकाल कर एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर वो अगर इस्तेमाल करते तो ज्यादा इफेक्टिवली हो सकते थे सही मरियम नवाज बाद भी डॉल खड़ी हो जाओ बस <laughs> खड़ा करके किसी ड्राइंग रूम के किनारे पे लगा दो देखिए आर्टिफिशियल ब्यूटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे बंदा लीडर नहीं बनता hmm. लीडर बॉर्न लीडर होता है आप जो हैं मुझे सबसे पहले इख्तलाफ है अल्लाह ने आपको जैसा पैदा किया है हाँ। ना आप उसी पे फखर करें सर्थी उसी पे मुझ नहीं है आपको इनकी सर्जरी की जरूरत नहीं है आपका इनर खूबसूरत होगा ना हाँ। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा हाँ। आप अपने इनर की खूबसूरती बढ़ाएं आपको किसी सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है हमजा शहबाज शरीफ हमजा ठीक वो है कि अपने बाप की क्वालिटीज उसने नहीं ली मतलब ही इज नॉट अ लीडर एट ऑल मैं उसको नहीं समझती ना उसकी वो स्पीकिंग पावर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर hmm. है अपने बाप का वो वन परसेंट भी नहीं ले सका hmm. तो बस ये सियासत सियासत में इज नॉट फॉर कैन डू ओनली बिजनेस एट दी एंड मरियम औरंगजेब मरियम औरंगजेब शाह से ज्यादा शाह के वारेट सेट वो अपनी नौकरी बड़े अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हैं हाँ. पर उनको अब मैं एक तंबी जरूर करूंगी अब पहले तो इतना नहीं था अब मैंने बहुत नियर फ्यूचर उनके जो जुबान वो इस्तेमाल कर रही हैं स्पेशली अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिंग अ पढ़ी लिखी औरत तुम अगर रिप्रेजेंट कर रही हो तो मैं अल्फाज का चनाओ बहुत सोच समझ के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हो hmm. तो ये हदूद अब पहले मैं उनकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट uh, करती थी आफ्टर दिस लैंग्वेज सॉरी आई डोंट थीजॉट सैद रजा गिलानी ही इज़ अ नाइस मैन और करप्शन uh, के एलिमेंट को निकाल के मेरा उनसे जितना वास्ता पड़ा ही पड़ाबल अच्छे मिलने में अच्छे उनका जो बेटा अली गलानी है तो उसकी वीडियो भी हुई थी इसके <laughs> अलावा लेकिन ही इज़ इंटेलिजेंट का है वो असम्बली में जब बात करता पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग असेंबली में जब खड़े होकर बात करते हैं तो देख मे मेक सेंस उनकी अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आता है तो हम अप्रिशिएट करते हैं उसको हम भी उस पर डस्ट बुझा लेते हैं हाँ। क्योंकि ये अच्छा है पॉजिटिव होना चाहिए बट ही स्पीक सेंस उमा बुखारी उमा मेरी कुलीग है अच्छी दोस्त भी है लेकिन उस्मा बुखारी बहुत अब अपनी ना लीडरशिप की अच्छी बुक्स में आने के लिए पीपल्स पार्टी जैसे छोड़ी वो भी मैं जानती हूँ और जिस तरह ये और बाकी उनकी अपनी लोगों को भी पर से पुश डाल के ये मैं एग्री नहीं करती अगर वो अपनी क्वालिटी बेहतर जगह इस्तेमाल करती तो ज़्यादा अच्छा था थैंक यू सो मच मैम इतना क्वालिटी टाइम आपने हमारे साथ गुजारा हम आपके मशकूर है। हैं यहाँ आप अपनी मेज़बान नूरमान रमानला को दीजिए इजाज़त देखते रहें हमारा प्रोग्राम गपशप विद नूरमान रमान ऑनली ऑन टी वी अल्लाह हाफिज़